हमारे पास आज एक लेनोवो का केस आया है। ये आप देख सकते हैं कि लेनोवो का हमारा T470 लैपटॉप है। केस क्या है आप देखिए, केस आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा लॉक आ रहा है ना। इसके आगे कुछ करो, टाइप करो, कुछ कुछ टाइप करो, एंटर करो, है ना। ये वजीरपुर मार्केट का लैपटॉप है, हमारे दिल्ली में बहुत ही फेमस मार्केट है कंप्यूटर मार्केट वजीरपुर का, वहाँ का केस है। किसी बंदे के पास 8-9 लैपटॉप पड़े हुए हैं, यही T470 का सब में पासवर्ड है और पासवर्ड अभी तक ब्रेक नहीं हो पाया है। जनरली क्या होता है, लेनोवो थिंकपैड में जब पासवर्ड की प्रॉब्लम आती है तो बहुत से लोग पैच मेथड का यूज करते हैं। वो तीन फाइल को स्वाइप करके जो मेथड यूज किया जाता है, पैच बना के यूज किया जाता है, वो मेथड इसमें काम नहीं करता है। मतलब लेनोवो पैच मेथड इसमें काम नहीं करेगा, है ना। तो इसका पासवर्ड अगर हमें ब्रेक करना है तो मैं ब्रेक करना बता रहा हूँ। किसे बता रहा हूँ? ये है अब्दुल, अब्दुल को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं भाई अब्दुल को? क्योंकि इन्होंने एक हमारा सर्विस सेंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने ज्वाइन किया है, तो हम इन्हें बता रहे हैं। रेगुलर क्लासेस में नहीं बताते हैं, है ना। रेगुलर क्लासेस में ये टॉपिक को नहीं बताया जाता है, तो अब्दुल को बता रहे हैं। अब्दुल को सिखाएंगे और अब्दुल सीखेंगे भी, बहुत इजी तरीके से सीखेंगे जी, है ना। ये लेनोवो T470 और पार्ट नंबर क्या होता है इसका? पार्ट नंबर बताना, पार्ट नंबर टीसी से पार्ट नंबर आपका ये हो जाता है, देख लीजिए, NMA931, है ना। NMA931 लेनोवो T470, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, है ना। पासवर्ड पता नहीं, पैच मेथड से यहाँ पर पासवर्ड काम करेगा नहीं। कोई भी ट्राई कर सकते हैं, हमारे सोनू साहब हैं, इन्होंने पैच मेथड से खूब ट्राई किया लेकिन पासवर्ड ब्रेक नहीं कर पाए। तो फिर मैंने भी इस पे काम किया, एक एक्सपेरिमेंट फेल गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब गया, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड ब्रेक करना बताऊँगा और इसमें मैं अब्दुल को सिखाऊँगा भी कि कैसे हम इसका पासवर्ड ब्रेक करेंगे। अब एक काम करिए, इसका बायोस निकाल लीजिए। बायोस चिप को निकालिए इसका। और इस लैपटॉप में क्या किया जा रहा है? इसमें अलग से वाईफाई लगाया जा रहा है। इसमें वाईफाई का जुगाड़ किया जा रहा है आज। वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो वाईफाई का जुगाड़ कैसे होता वो किया जा रहा है। चलो बैकअप इसका ऑलरेडी ले रखा है, हमने बैकअप ऑलरेडी ले रखा है क्योंकि पैच मेथड का यूज कर रहे थे हमारे सोनू साहब, तो उस समय हो नहीं पाया था तो बैकअप ले रखा था। भाई बैकअप मुझे भेज दियो। चलो आ जाओ अब्दुल, अब सिखाएंगे कि कैसे इसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। भाई एक को सिखाने की बात हुई थी, बाकी क्यों आ रहे हो? ये भी आ गया सीखने के लिए। कौन आया सीखने के लिए? और सुनील बागवान बोला कि मुझे भी सीखना है, तो चलो सिखाते हैं, है ना। सबको थोड़ी सिखाएंगे, सोनू चौहान को सिखा चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बैकअप मेरे पास आया हुआ है, वही लेनोवो T470 का है, है ना। 16 MB का बायोस फाइल है, इसी में मैं R&D करूँगा, है ना। इसमें मैं R&D करूँगा और इस पासवर्ड को ब्रेक करूँगा, है ना। तो देखो करना क्या अब्दुल, ये बैकअप को लिया हमने, कॉपी कर लेते हैं बैकअप को, है ना। यहाँ पर सोइन फोल्डर, ये बैकअप लिया मैंने, कट किया और मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है ना। न्यू फोल्डर 3, ठीक है जी। ये पेस्ट कर देते हैं। इधर गया भाई, बाहर तो नहीं पेस्ट हो गया? अच्छा बाहर कहीं पेस्ट हो गया। फिर से एक बार
फैन ऑफ कर दो। सो इन फोल्डर कट करके न्यू फोल्डर 3 पेस्ट कर दिया हमने। ये मेरा क्या है अब्दुल? बैकअप बायोस है, backupbios.bin, करेक्ट जी। अब हम आते हैं फिर से टेलीग्राम में। टेलीग्राम में मैंने सुनील से, किधर गया सुनील, हाँ ये सुनील से मैंने मंगवाया था बिना फिक्स से ये फाइल u49.bin। ये कौन सी फाइल है सुनील, पता है ना? हाँ सर। ये मैंने आपको दिया था, कहाँ दिया था, ये दिया था ना T470, मुझे डाउनलोड करके इसका बायोस दे दो जी, है ना। तो ये वही फाइल है जो आपने मेरे को भेजा है। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको कोई दूसरा बैकअप लेना है और इस बात की सियोरिटी रखनी पड़ेगी कि जो बैकअप आप ले रहे हो कहीं से भी ले रहे हो, चाहे टेलीग्राम से लो चाहे बिना फिक्स से लो, कहीं से भी लो, वो ओके होना चाहिए, मतलब डिस्प्ले में होना चाहिए। तो ये एक बैकअप है, इस बैकअप को भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पर डाउनलोड। कहाँ पर डाल दे रहा हूँ मैं इसको, न्यू फोल्डर 3 करके था वहाँ डाल देता हूँ, न्यू फोल्डर 3 सेव। ये मैंने सेव कर दिया, U49 मेरा चला गया न्यू फोल्डर 3 में। इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए इसे रीनेम करके। ये क्या है हमारा, ये बिना फिक्स बायोस है, करेक्ट, बिना फिक्स बायोस T470, बस बिना फिक्स बायोस हो गया, बाहर निकाल लिया इसको भी। अब हमारे पास दो बायोस है, मेरा ओरिजिनल बैकअप है, ये बिना फिक्स का बायोस है। और अब हम करेंगे क्या, जो मेरा बिना फिक्स बायोस है इसको डालेंगे हम इधर UFI रिप्लेसर में। डाला UFI रिप्लेसर में जी। और इसका जो बायोस रीजन है देख रहे हो ना अब्दुल जी, जी ये बायोस रीजन को यहाँ से बाहर लेना है, किसका, बिना फिक्स वाले बायोस का, हाँ एक्सट्रैक्ट है जी। ये मेरा हो गया बिना फिक्स बायोस रीजन, करेक्ट जी। ये मैंने बाहर निकाल लिया। स्टेप 1 समझ में आ गया जी। स्टेप 2, अब इस बैकअप को लो, बैकअप को फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करो, किसके ऊपर, रिप्लेसर के ऊपर, और आप इसके बायोस रीजन को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, बिना फिक्स वाले से, बिना फिक्स बायोस रीजन से आप रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस कर दिया जी। और इसको सेव कर दीजिए, आप लिख सकते हो newbios.bin, करेक्ट, newbios.bin। स्टेप से याद हो गया जी। क्या किया मैंने, अब आपको लग रहा होगा अरे ये तो बड़ा इजी है, है ना, लग रहा होगा बड़ा इजी है जी। है तो इजी, बस यहीं तक तो गेम है। अब ऐसा नहीं कि ये न्यू बायस को मैं प्रोग्राम करूंगा तो अनलॉक हो जाएगा, नहीं, नहीं इसके बाद, इसके बाद ही गेम है। अब इसके बाद जो गेम है अगर वो किसी को सीखना है तो भैया एक्स्ट्रा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करो, सीधी सी बात है ना। आप सोचोगे कि जो आप रूटीन अमाउंट देते हो उसी में सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा। इसके आगे अगर आपको सीखना है T470 कैसे अनलॉक होगा, ना केवल T470, है ना जी, लेनोवो के मैं 8 जनरेशन तक की बात करूंगा, 8 जनरेशन तक के जो पैच से नहीं हो पा रहे हैं, जो भी मॉडल पैच से नहीं हो पा रहे हैं अनलॉक, तो उसको हम बायोस से ही अनलॉक करेंगे, है ना। बट यहाँ पर पैच नहीं करेंगे, पैच मेथड पता ही था ना, पैच मेथड में हम इसका यूज करते थे ना। किधर गया बायोस एडिटिंग टूल, पैच मेथड में हम इसको रिप्लेस करते थे, ये 3 फाइल रिप्लेस करते थे ना, 3 फाइल या सॉफ्टवेयर का यूज करते थे तो 2 फाइल रिप्लेस होता था। तो मैंने यहाँ पर पैच मेथड का यूज ही नहीं करना है, ठीक है ना। अब करना क्या है, चलो उस चीज को देखो, तो अब आप देखो मैंने यहाँ पे बना लिया अनलॉक बायोस T470, ये मेरा न्यू बायोस नहीं है, अनलॉक बायोस T470। ये मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं किसको दूंगा,
ये सोनू चौहान को दूंगा, सोनू चौहान, सोनू चौहान को दे दिया। अब आगे का हम देखेंगे डायरेक्ट बोर्ड पे कि अनलॉक हुआ या नहीं हुआ। इधर से ये अनलॉक बायोस T470 अपलोड हो रहा है। अपलोड होने दो, फिर वहाँ पर इसको हम प्रोग्राम करेंगे। चलो आते हैं। अरे ये जो इतना सारा जो लैपटॉप का ये निकाला है ना, रख देना इसको, कचरा मत जमा करके रखना। चलो अब देखो, सोनू चौहान टेलीग्राम में जाइए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया सोनू चौहान के पास, क्या आ गया, लिनोवो का ये अनलॉक T470। चलो इसको आप डाउनलोड करो और प्रोग्राम करो, और हम देखते हैं कि बायोस पासवर्ड गया कि नहीं गया। अरे ऐसा ट्रिक है ना, अच्छों अच्छों को नहीं पता है, आपको फायदा हो गया इसका। है क्या, कुछ भी नहीं है, है क्या, कुछ भी नहीं है। पैच मेथड में तो ज्यादा झमेला है, इस मेथड में तो कोई झमेला ही नहीं है, बस एक सही बैकअप होना चाहिए आपके पास, वो तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, बिना फिक्स टेलीग्राम कहीं से भी मिल ही जाएगा। चलो करिए प्रोग्राम इसी को। अब प्रोग्राम कैसे किया जाता है वो थोड़ी सिखाने की जरूरत है, वो तो पता ही है। अनलॉक बायोस T470 इसी को करना है। हाँ, अनलॉक बायोस T470 इसी को। फाइल नेम आ चुका है, वो सिलेक्ट हो गया, ओपन हो गया, फाइल लोड हो गया, राइट। सोलह एमबी का था चिप। इसको मैं क्या बोलता हूँ, लेनोवो फ्लैश मेथड, मतलब डायरेक्ट फ्लैश मेथड, मतलब ये पासवर्ड कैसे जाएगा, लेनोवो डायरेक्ट फ्लैश मेथड, मेरा दिया हुआ नाम है लेनोवो डायरेक्ट फ्लैश मेथड। अच्छा, ये तभी मैं पढ़ रहा था इससे। वो पढ़ो वड़ो नहीं, वो पढ़ो वड़ो नहीं, सीधा आगे नीचे आओ, पढ़ो वड़ो मत। नहीं, फ्लैश मेथड जो वर्ड आपने यूज किया था ना, हाँ, तो वो देखोगे ना बहुत जगह मैंने लिख रखा है ना, लेनोवो फ्लैश मेथड से पासवर्ड टूटा। अब जिसका लैपटॉप है ना उसको बोलना भैया 9 का 9 तो लैपटॉप दे, हम पासवर्ड तोड़ के देंगे, ज़्यादा सर्विस चार्ज नहीं लेंगे, 9 दे रहा है तो ज़्यादा नहीं लेंगे। अब एक पे अगर मान लो ये केस आ जाता है किसी का, अब मैं बता रहा हूँ पैसे कितने लेने हैं कस्टमर से। जी, कस्टमर आपके पास ये मॉडल लेके आया, मान लो T470 है जी, कस्टमर को आप बोलो अगर आपको आता है तो ठीक, अगर नहीं भी आता है, आपको ये पता है कि मुझे आता है, ठीक है ना, आपको अगर ये पता है कि मुझे आता है, आप कस्टमर को बोलो सर 2000 रुपये लूँगा, कस्टमर बोलता है एग्री, तब तो उसका लैपटॉप हाथ में लो। कस्टमर बोलता नहीं 2000 नहीं 1200 में कर दो, उसके हाथ में लैपटॉप दो, बोलो जो जिससे करवाना है करवा ले जा, समझ गए ना जी। भाई दिल्ली में तो और भी बैठे होंगे 2-4 बंदे करने के लिए, आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी बलरामपुर। हाँ, यूपी बलरामपुर, वहाँ कोई नहीं बैठा होगा, गारंटी दिखा लो मेरे से जी, कोई और इंजीनियर नहीं बैठा होगा जो T470 अनलॉक कर ले, आप समझ गए ना। तो कस्टमर जाएगा कहाँ, इधर उधर घूमेगा, उसका केस सॉल्व नहीं होगा, आपके पास आएगा ही, तो यही है जी। पैसों से समझौता मत करना कभी भी, पैसे ले लेना। अब 2000 के बाद आगे आप खुद कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो हमें दो, हम करके देंगे, 50-50 कर लेंगे और क्या। चलो आयरन लगा लेना। ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बायस चिप प्रोग्राम करके, अब इसको हम
सोल्ड कर रहे हैं और आप देखेंगे कि पासवर्ड गया कि नहीं गया। क्या टूटा भाई? अच्छा हो गया ये वाला। अभी वीडियो YouTube पर डालूंगा तो मेरे को बहुत लोग गाली भी देंगे। क्यों गाली देंगे? बोलेंगे सर कैसे हुआ, वो तो बताया नहीं, ऐसे ही वीडियो डाल दिया है ना। तो अगर सीखना है तो भैया जाओ, LCIT ऐप पे दे रखा है, LCIT ऐप पे तो दे ही रखा है ना कैसे अनलॉक करना है। LCIT ऐप पे दे रखा है, आप LCIT ऐप पे जाइए, कोर्स परचेज कर लीजिए, सीख लीजिए। आपको एक ही स्टेप तो सीखना है, दो स्टेप तो मैंने बता ही दिया वीडियो में। चलिए ये BIOS चिप को हमने इंस्टॉल कर दिया है, अब बोर्ड को ऑन कर रहे हैं। देखते हैं अब क्या होता है। दो तीन बार रिस्टार्ट करेगा, उसके बाद मेन तो यहाँ पर देखना है पासवर्ड गया कि नहीं गया। नाम क्या दिया था? डायरेक्ट फ्लैश मेथड। मतलब आपको हार्डवेयर ID कोड वोड ये सब कुछ नहीं करना है, जो पैचिंग में बताया है ना, सीधा सीधा देखो पासवर्ड गॉन। प्रेस F1 टू एंटर सेटअप। आ गए सेटअप में, ताला आया क्या? नहीं नहीं, दिखाओ पूरा ताला आया कि नहीं आया। देखो ताला नहीं आया, मतलब हो गया, पासवर्ड जा चुका है। तो ये था हमारा डायरेक्ट फ्लैश मेथड। लेनोवो T470 बहुत से मॉडल में काम कर जाता है, ये मेथड बहुत से मॉडल में काम करता है, समझ गए ना। तो ये आज आपकी क्लास हो गई ख़त्म, अब आप खुशी खुशी घर भी जा सकते हो। एक स्पेशल चीज़ सीख लिया आपने।